अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मैं एक चीज ट्राई करने लगी थी अपने किचन में, अंडों का हलवा। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, इसके साथ साथ दिखाते हैं कि क्या करना है आज। ये जो से ना मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड ली ना उसको जो से ना जो से चॉप कर लिया चॉपर में, तो इस तरह के क्रम्स हो गए। और यहाँ पे एग लिए हैं, डालडा घी लिया और मिल्क लिया और शुगर। ये आज ज़रा मैंने मेंटेन करके चीज़ें रख ली थी, मैंने कहा इसी तरह वीडियो बना लेती हूँ। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे। आग जो है ना बहुत हल्की आ रही है, गैस का प्रॉब्लम तो सर्दियों में रहता ही रहता है और गर्मियों में लाइट चली जाती है। किस तरीके ना जो सा है आवाम को जीने नहीं देना इन लोगों ने। खैर हमें तो ना हल्की आग की ज़रूरत थी। अब इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे जिसमें हमने हलवा बनाना है। अब अपनी ये बर्तन लिया, ये साफ है, ये इसका ना मतलब इसको धो धो के ये इस तरह हाल हो गया। अब ये कोई देखने वाले कहते हैं लो जी गंदी हंडिया में जो सा इन्होंने बना लिया, ऐसी बात नहीं है, बहुत साफ। अब ये घी लेंगे और ये इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह डालना है। इसको भी साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से पकड़ा है, तो मैं वीडियो बंद करके साफ़ करती हूँ इसको। ये घी डाल दिया इसमें, और जब ये थोड़ा सा ना मतलब मेल्ट हो जाएगा ना, फिर इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे ये, ठीक है, इस तरह। और इनको ना फ्राई करेंगे, इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे, लेकिन आंच जोन से ना हल्की रखेंगे, इनको अच्छी तरह ना गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको ना मुसलसल हिलाना है ताकि ना ये नीचे ना चिपके और जले भी ना। चूंकि इसको मुसलसल हिलाना था तो मैंने कहा मामा जरा आप हिलाएं। तो दूसरी तरफ ना अब मैंने जो सा ना ये तैयार करने हैं, ये दूध लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना दूध के बीच तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाला था। तो अब ये जो सा ना हम ग्राइंडर में डालेंगे, ग्राइंडर में डालते डालते ना वो दूध थोड़ा सा गिर गया उस, और दूध डाल लिया। अब ये तीनों अंडे तोड़ के इसमें शामिल करेंगे, ये दो। ये ग्राइंड हो गया, इसको पीछे कर लेती हूँ। अब ना इसको जो सा गोल्डन ब्राउन होने तक यानी कि इसको पका लेना। अच्छा मैंने सोचा कि ना मैं डाल ही देती हूँ इलायची, कोई बात नहीं, इसमें ना जो सा ना इसका अरोमा आएगा ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। तो दो जो सी ना सब्ज़ इलायची मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी इसमें। वैसे मुझे इसलिए नहीं है सब्ज़ इलायची पसंद, वो यकदम मुंह में आ जाती है ना तो बहुत बुरी लगती है, तो वरना लेकिन खुशबू जो सी देती है ना खानों में ये ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब बस ये इसका इंतज़ार करना है कि ज़रा अच्छी तरह ये भून जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर इसमें ये जो सा हमने ग्राइंड किया ना मिल्क एग्स और शुगर और फिर इसमें शामिल कर देना। मैं बाद में दिखाऊंगी जब इसको अच्छी तरह बनाई हो जाएगी। ये देखें ये भुरभुरा भी हो गया और ना इसका थोड़ा ऑयल भी बाहर निकला है और साथ में ये गोल्डन ब्राउन भी हो गया। अब इसी जो सा दुरानिए में ना हम डाल देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया ना ये वाला, ये डाल देंगे। वाओ 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 काफ़ी मज़े का लग रहा है। चलो अब ये ऐड कर देंगे इसमें बिस्मिल्लाह करके, ये लो ये शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह हिला के पकाएंगे, चीनी तो अभी इसमें रहती है, इसको मैं निकाल लूँ ज़रा। अब ये इसमें डाल दिया ना, अब इसको पता है कितना पकाना है, अब इसको उस तरह पकाना है जिस तरह हम खीर नहीं पकाते, इसको हिला हिला के ना इस तरह पकाना है। और ये ना बिल्कुल खुश्क होना है, इसको बिल्कुल खुश्क करना है दूध के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी से मैंने टेम्परेचर तेज़ किया है, जब ये थोड़ा सा होने वाला हो जाएगा ना फिर मैं इसको ना लो कर दूँगी। ये ना हिलाते हिलाते ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया, इसी तरह ना पता भी नहीं चलना इसने कब ना
हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। बस इसको ना अच्छी तरह इस तरह हिलाते जाना। जब ये ऐसे हो जाएगा ना तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ये लास्ट में ऐड करेंगे, फिर ही लगेगा अंडों का हलवा। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे, काफ़ी तेज़ कलर है ये ऐसे। ये काफ़ी चींटे उड़ा रहा है इसलिए ना मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना दूर होके खड़ी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। बस इसी तरह हिलाई जाना और इसने ना एक मौका आना कि अपना ना घी छोड़ देना, तो फिर ये रेडी हो जाना मज़ेदार सा। अच्छा ये ना अब कुछ बादाम क्रश किए हैं तो ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा घी निकल रहा है इसका। आप इसको ना अच्छी तरह इसमें फैला लेंगे बादामों को। ये रही जी आखिरी लुक हलवे की, ज़बरदस्त था, शाइन शाइन वाला तैयार हुआ है हलवा। टेस्ट करके देखा, बड़ा कमाल तैयार हुआ है। ये अपना हलवा जो सा ना, ये वैसे चस्के के लिए था, अंडिया तैयार करने वाली थी। अब ये ना मछली के जो सिरे होते हैं ना, सिरे एक तो मछली होती है ना उसके सिरे जो उनसे होते हैं ना वैसे नहीं इस्तेमाल होते, तो उनका अगर शोरबा बना के खाया जाए तो काफ़ी मज़े के बनते हैं। तो उसके लिए मसाला रखा है, मछली के सिरे तैयार करने हैं शोरबे वाले। तो मसाले में टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह जो ये डाल दिया। अब इसको प्रेशर लगा देना है, फिर उसके बाद बताते हैं। ये अब कुकर लगा लिया था तो फिर ये मसाला भूनना है, इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है, नमक वगैरह, मिर्चें, हल्दी, सारे मसाले डाल देने हैं और ऑयल भी डाल देना। ये मसाले डाल दिए इसके अंदर, तो अब जो है ना इसमें ऑयल डालेंगे। ये एक चम्मच और ये थोड़े से है ना तो इसलिए नॉर्मली, और ये दूसरा चम्मच हो गया, तो यहाँ रख देंगे। अब इसको हलाएंगे और इसका अच्छी तरह जो है ना बुनाई करेंगे। ये अब काफ़ी अच्छी बुनाई हो गई है इसकी, तो अब इसमें जो है सिरे शामिल कर देंगे। मुझे नहीं पसंद सिरे, मैं तो भाई कुछ और ही मंगवा के खाऊंगी। ये सिरे डाल दिए, वैसे काफ़ी मुफीद होते हैं अगर खाने हों तो। तो अब इसे ना अच्छी तरह भुनेंगे। कितना अच्छा, ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। मेरे तो ज़्यादातर कुकिंग व्लॉग ही हैं, मैंने अभी कोई बाहर जाकर ही व्लॉग बनाया, ना कोई घर में किसी और चीज़ का व्लॉग बनाया, सिर्फ कुकिंग का ही बना रही हूँ, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। तो और कॉन्फिडेंस है जी, इसको अब भूनना है अच्छी तरह। तो फिर इसमें पानी ऐड कर देना, जितना मतलब पानी रखना है। अगर मसाले वाले बनाने हैं तो मसाले वाला इस तरह बन जाता है, लेकिन अगर इसमें पानी शामिल करना है तो पानी, वैसे अगर हड्डियों का जो सा शोरबा निकलेगा ना तो वो बड़ा मुफीद होता है। ये अब हो गया, भुन गया, तो अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये अब इसमें एक बॉयल आने तक, मतलब इसको ना तेज़ आंच पर रखना है, बाद में हल्की आंच कर देना, थोड़ा पका के फिर ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी अच्छा बॉयल आ गया, अब इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे, बॉयलर थोड़ी देर पकते रहेगा ये। अब इसकी आंच हल्की कर देंगे और ये पकता रहेगा थोड़ी देर, फिर इसको सर्व करेंगे। ये मैंने ना हल्की आँच पर रख दिया था, उसके बाद ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया ज़बरदस्त। इसकी तली देखें कितनी खूबसूरत निकली है, हाँ हाँ, और ये गल भी गई है मछली। ये ना ज़रा दूसरी तरह की मछली है, ज़रा इसको टाइम लगता है गलने में, नहीं तो अगर जो आमतौर पे यूज़ होती है ना मछली पकाने में वो तो फटाफट गल के तो वो तो मतलब घुल ही जाती है। अब ये हो गया ना, अब इसमें क्या करना है कि हमने ना लास्ट में धनिया ऐड कर देना, धनिया फ्रेश फ्रेश धनिया इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, आ हा हा, वैसे मुझे पसंद नहीं लेकिन शोरबा जो सा ना शोरबा मैं पी लेती हूँ। अब इसको ना हिला लेंगे, लो जी
ये तैयार हो गया। फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चूंकि इसके साथ मतलब ये शोरबे वाली बनाई थी तो इसके साथ बनाए हैं बॉयल राइस, मज़ेदार। तो ये सब कुछ था आज के व्लॉग में। उम्मीद है आपको टूटा फूटा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।